आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अरे रामन लला, आपका मात्र आस्था है, विश्वास है, ये धर्म का एक प्रतीक स्वरूप मान के हम चलते हैं, वो कैद रहने वाला चीज नहीं है। उनका स्थान जो मनुष्य योनि के रूप में, मनुष्य के रूप में जब उनका अवतरण हुआ, अवतार हुए, जन्म लिए, तो अयोध्या में लिए। लेकिन कहानी है रामलला, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो जेल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये भावनाओं के साथ एक विचार प्रकट किया गया कि जब तक उनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई मंदिर या कोई स्थान प्रतीक के रूप में, धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में, शक्ति के मार्ग पर हमारा जो मतलब था, हमारा जो माने मेरी जो भावना थी या जो सत्य का जो हम लोगों का डिमांड था, आज 500 वर्ष या 495 जो भी हो वर्ष के बाद पूरा हुआ। आज हम इस सुगड़ी का नमन करते हैं और भविष्य में भी आशा करते हैं कि आने वाले कल जिन्हें भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के भी जो नास्तिक वैज्ञानिक लोग हैं और अन्य जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें इनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम हम भगवान कहते हैं, लेकिन वो तो महामानव के रूप में थे और वो अपने आप को कभी भगवान के स्वरूप में या दिखाने का प्रयास नहीं किए। महामानव जरूर थे, किसी ने जाति धर्म वर्ग घर हर चीज में उनको वो लेके चले, और उनकी राजनीति, उनकी धार्मिकता का आधार अगर कोई व्यक्ति मान लेता है अपने घर समाज परिवार राष्ट्र में, तो वो रामराज स्थापित हो जाएगा और कभी पीछे नहीं हटेगा। आज भारत में सर हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्री राम को मानने वाले लोग कैसा अपने आप को महसूस कर रहे होंगे? अरे राम को मानने वाले तो करोड़ों अरबों हैं, लेकिन राम सब में नहीं है। राम का भक्त होना ये दुर्लभ बात है। जो करोड़ों में कोई इस माया मोह से विमुक्त होकर जो व्यक्ति राममय हो जाता है, समझिए वही राम के तथ्य को समझ सकता है। नहीं तो जो हो रहा है और जो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कंधे पर सबको लेके चलते हैं और अंत समय में बोल देते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और जैसे ही चिता में उस शरीर को, मृत शरीर को रखा जाता है, तो फिर राम नाम लोग भूल जाते हैं। लेकिन राम की शक्ति को, राम की भावना को, राम की आस्था को पहचानना ये सामान्य जनों की बात नहीं है। हाँ, भक्ति का मार्ग है, सुलभ है, आधिकता का मार्ग है, आस्तिकता का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, लोग मार्ग पर चलते हैं और चलते चलते एक दिन फिर वो तथ्य को समझने लगते हैं, तो राम के प्रभाव को अच्छी तरह जान जाते हैं और कोई बात नहीं। बोलते राम को जानने से पहले हनुमान जी को जानना जरूरी पड़ता है लोग। आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहले राम को पूजा, जो भूमि पूजन है, पूजा करने से पहले हनुमान जी का मंदिर गए, बजरंग बली का मंदिर गए, इस विषय में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हनुमान तो घर घर का मेहमान है और मार्ग बताने वाले, उन तक पहुंचाने वाला, वो सरल सुगभ सुगम सहज सामान्य रूप से कोई अगर संदेशवाहक है तो वो है हनुमान। जैसे तुलसीदास को उन्होंने मार्ग बताया, राम तक पहुंचाया, राम तक पहुंचाने का मार्ग सुलभ किया, और ये अपने अपने कर्मों का, अपने अपने संचित पूर्व जीवन के पुण्य का प्रभाव है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को हनुमान जैसा मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है जो श्री राम के तक उन्हें पहुंचा देता है। राम को कहाँ पाते हैं आप, कहाँ सोचते हैं, क्या वो जहाँ पे
मंत्री बन रहा है वहाँ पे वो निवास करते हैं या कहाँ पे निवास करते हैं सारे जगत में? अजीब प्रश्न है। जहाँ पे उनका जन्म हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पे जन्म हुआ। प्रश्न ये है कि जन्म हुआ वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अनंत है, वो कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट वो हूँ मैं जाना, सिद्धि कहते हैं। तो जहाँ भी प्रेम भाव है, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, प्रकृति जो है सो हमेशा राम के रूप में आपको दर्शन देते रहेगी। प्रकृति, प्रकृति इसको आपको समझना पड़ेगा कि कभी न कभी एक छल क्षणिक मात्र के चलते आपको ऐसा प्रकट होगा, ऐसा आभास होगा, ऐसा जान जाइएगा। तो राम तो सर्वत्र है। अयोध्या हमारा एक प्रतीक है, धार्मिक आस्था का एक महान स्थान है, जहाँ भगवान राम ने अपना जन्म लिया और अपना शासन काल बिताया। जो 14 वर्षों तक वनवास में रहा तो कहाँ नहीं है राम। रावण से उन्होंने मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, बार बार संदेश संवाहक को खबर किया, और उसी नीति पर हमारा भारत आज चल रहा है कि हम किसी का पहले विरोध नहीं करते। और वही राम का है, राम का प्रशासन जहां है वो बिल्कुल राम राज्य की तरह है। राम सर्वत्र है। राम ये नहीं कहिए कि अयोध्या मात्र में ही राम है, वो नहीं है, लेकिन मेरा आस्था जुटा हुआ है चूंकि वहां उनका जन्म हुआ, बस इसमें तो कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आप राम को सुबह शाम आपने मंदिर निर्माण भी करवाया चुलिया गांव में, देवघर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर आकर के आप सुबह शाम यहाँ पे पूजा करते हैं, आराधना करते हैं भगवान श्री राम को। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से आज ईश्वर से लोग जुड़ पाएं? मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि राममय होने का मतलब होता है कि अभी जो आप मेरे पास आ रहे हैं, ये सिलसिला आने जाने का भी बंद हो जाए, तब व्यक्ति राममय हो सकता है। ये घर परिवार धंधा रोजगार दुनियादारी मंदिर मस्जिद क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सब प्राइमरी स्टेज है। स्टेज जब पहुंच जाएगा, जबकि आपको भी मेरे पास आने में संकोच होगी कि ना वो किसी से नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। राममय होना कोई खेल बात है क्या? राम अपने भक्तों का सब चीज छीन लेते हैं। अब मेरा देख लीजिए, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मेरा तो सब चीज एक एक करके छीनता गया। नौकरी 2 साल पहले गया, छोड़ दिया गया नौकरी, मैं क्लिनिक चलाता था, क्लिनिक छोड़ दिया, घर परिवार से 10 बरस से अलग है, दुनियादारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी तरह एक स्थान पर उनका नाम लेके जीवन व्यतीत करना है। हो सकता है धीरे धीरे सब चीज़ से मुक्त कर दे, और जब तक कि ये माया बंधन है तब तक राम में कोई नहीं हो सकता है, राम का नाम ले सकता है, राम का भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि माया राम का है, और माया से जब तक वो विमुक्त नहीं कर देता है तब तक कोई राममय नहीं हो सकता है। राम का नाम ले सकता है, अखंड जाप कर सकता है, रामायण पढ़ सकता है, राम कथा कर सकता है, लेकिन राममय नहीं हो सकता है। उपस्थित है, आपने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, आज अयोध्या में एक तरफ भूमि पूजन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कई मंत्री लोग आए हुए हैं वहाँ पे, आज आपके हरिहरद्वार चुलिया में आज का क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार का आज यहाँ पे विधि विधान से आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मेरा तो नित्य का कार्यक्रम है, जो नित्य का कार्यक्रम होता है 2 घंटा सुबह शाम पूजा पाठ, 2 घंटा शाम को भजन कीर्तन, भगवान का आरती, संध्या श्रृंगार तो होता है, अखंड दीप जल रहा है, अभी 5 बजे से रामायण पाठ होगी, उसके बाद पुनः है हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, और फिर प्रसाद वितरण विशेष रूप से किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि अपने अपने घर को आप मंदिर बनाइए,
घर को ही मंदिर बना दीजिए, ये भी तो घर था, ये खंडहर था हमारे बाप दादा का, ये मंदिर बन गया, भगवान की आस्था है। लेकिन गायत्री मंत्र जो मंत्रों का श्रेष्ठ मंत्र है, उसके जो तीन पाद हैं जिसमें कि आस्था, आस्तिक होना, धार्मिक होना, तब आध्यात्मिक होना। आप पहले आस्तिक होइए, आस्तिक का मतलब कि आप विश्वास कीजिए, हम किसी धर्म पर नहीं जा रहे हैं, आप मानव जाति के व्यवहार गुण दोष को देखने के लिए आप स्वतंत्र रूप से बिना भेद का रहिए, तो वो आस्तिक हो गए। उसके बाद आप, तब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उसके बाद तब आप अध्यात्म की बात कीजिएगा। तो ये कैसे होगा, ये मंदिर फालतू समय के लिए नहीं है, इसीलिए है कि ये पहला मार्ग है, व्यक्ति को उचित मार्ग पर रखने के लिए एक दरबार है। उसके बाद उसके जीवन में जितने भी हम जितना काम करते हैं, एक मंदिर नहीं जाने वाला, एक पूजा नहीं करने वाला, ये अलग बात है कि चार घंटा हम मंदिर में पूजा पाठ लंपन में रहते हैं, लेकिन हमसे अधिक काम करने वाला कोई नहीं है जो कि फालतू एको दिन मंदिर नहीं आता है, वो हमसे इतना काम नहीं कर सकता। काम अपनी दुनिया अलग है, लेकिन इसकी दुनिया अलग है, इसकी दुनिया एक खोज की दुनिया है, एक रहस्य की दुनिया है, ये भेद जानने की दुनिया है। और जीवन तब तक आपका सार्थक नहीं है जब तक आप अपने जीवन के मूल्यों को, गुण तत्व को नहीं समझ सकते हैं कि इस धरती पर आपका जीवन किस हेतु, किस उद्देश्य से हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमन करता हूँ।